हेलो दोस्तों, प्रीव्यू में आपने वीडियो देख लिया हो तो दोस्तों इस तरह का स्टेटस वीडियो कैसे बनता है इसके लिए काफ़ी सारे मैसेज आते रहते हैं इस टाइप के वीडियो के लिए। बट ये ट्यूटोरियल का जो प्रोजेक्ट है मुझे सेंड किया गया था, सारे मटेरियल सेंड किया गया, बस मुझे बोला गया था इसका प्रीसेट प्रोवाइड करने को, तो मैं ट्यूटोरियल के जरिए ही दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी कुछ चेंजेस करके अपने लिए इस टाइप के स्टेटस बना सकें। उन्होंने जो भेजा था उनको कोई परेशानी नहीं थी, मैंने उनका परमिशन लेकर ही मटेरियल प्रोवाइड किया आप लोगों को। तो चलो मैं एडिटिंग बताता हूँ। राइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ये लाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन यहाँ पे क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। इस साइड में आपको 1080 रख लेना है, यहाँ पे 1080 रख लीजिएगा। देन इस साइड में 1299 कर देना है, 1299, ठीक है। या कितना था, एक सेकेंड गाइज, सॉरी गाइज, यहाँ पे 2399 कर देना, ठीक है, 2399। अब यहाँ पे डन कीजिएगा। देन फ्रेम रेट 60 या 30 भी रखते हैं। बैकग्राउंड को यहाँ पे ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडिया में जाइएगा और यहाँ पे मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड किया, जो भी मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आप यहाँ से मटेरियल डायरेक्ट ले सकते हो। उससे पहले हमें बैकग्राउंड की जरूरत है तो उसके लिए प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, क्रिएट एंगल सेलेक्ट कीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, फिल कंपोजिशन एरिया कीजिएगा। देन यहाँ पर कलर एंड फिल में जाइएगा और यहाँ से गाइस आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है, तो जो भी कलर आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ये थोड़ा गोल्डन टाइप का कलर जो है ये वाला कलर रख लेता हूँ, ठीक है। देन इसके ड्यूरेशन को पूरा फुल कर देंगे या कम ज़्यादा आप करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। देन इसी कैरेक्टर को हम डुप्लीकेट भी कर लेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये डुप्लीकेट को तब तक लिए हाइड करते हैं, इस पर हम एडिटिंग बाद में करेंगे, इसे क्या करना मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा, मीडियम जाना होगा। देन मीडियम जाने के बाद आपको कुछ मटेरियल मैंने जो प्रोवाइड किया उसे आपको यहाँ पर ले लेना होगा। तो सबसे पहले ये वाला PNG मैं ले लेता हूँ, लेने के बाद इसे ऊपर के साइड में मूव कर देना है, पूरा ऊपर यहाँ पे सटा देंगे, ये हार्ट जो है इसे सटा देंगे, तो कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गया। और थोड़ा जूम भी कर लेंगे, एक साइड में थोड़ा सा कट रहा है तो कटना नहीं चाहिए, कहीं पे भी कटेगा तो सही नहीं लगेगा, तो इस तरह से एडजस्ट कर लिए। देन एक सॉन्ग की जरूरत है तो प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, ऑडियो में जाएंगे, जो भी सॉन्ग एडिटिंग करना चाहते हैं सॉन्ग को सेलेक्ट कीजिए, सॉन्ग को यहाँ से मूव करके नीचे सबसे लास्ट में रख लीजिएगा। अब जितना टाइम का भी स्टेटस बनाना चाहते हो उतना टाइम रखिए, जो एक्स्ट्रा होगा उसे यहाँ से सेलेक्ट करके कट कर दीजिए। देन यहाँ पे सारे मटेरियल को सेलेक्ट करके और इसे लास्ट तक खींच लीजिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैंने खींच लिया। फिर स्टार्टिंग में आ जाइए, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइए। देन मीडियम जाने के बाद गई जी आपको यहाँ पे करना है ये राधा कृष्ण का या जो भी मॉडल आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो मॉडल को ले लीजिएगा। लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है, इसके ड्यूरेशन को आपको पूरा लास्ट तक कर देना है। करने के बाद इसे जूम आउट करना चाहे जूम इन करना चाहे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, तो मैंने यहाँ पे इसे सेट कर दिया जैसा आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक्सेप को हम हाइड किए थे उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करके ऊपर के साइड में ले आइएगा इस तरह से। फिर इसे सेलेक्ट करके 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर फिट कंपोजिशन एरिया करेंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ कलर फिल में जाएंगे, ड्यूल कलर को सिलेक्ट करेंगे, एक कलर को इस साइड में रख लेंगे, एक कलर को इस साइड में रख लेंगे, कुछ इस तरह से जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से सेट कर देंगे। और फिर ऊपर वाला जो कलर है उसका कलर यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे ट्रांसपेरेंट कर देंगे, और जो नीचे वाला कलर है इसे सिलेक्ट करेंगे, और जो कलर हम यहाँ पे बैकग्राउंड में रखे हुए हैं वही कलर हम यहाँ पे लेंगे। तो आप ये पेंसिल पर क्लिक करके और सिंपली ऊपर के साइड में इस तरह से कीजिएगा, कलर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर देंगे, कलर हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ से बैक आते हैं, बैक आने के बाद गए जो ये शेप है इसे सेलेक्ट करके मूव करेंगे नीचे के साइड में, इतना पे रख लेंगे कि राधा कृष्ण का जो ड्रेस है वो शैडो जैसा यहाँ पे दिखने लगे। अब देख सकते काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब जो राधा कृष्ण का इमेज है इसमें हम एक इफेक्ट देंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इफेक्ट को एडजस्ट कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पे सिर्फ मुझे इसे एडजस्ट करना था, मैंने चेक कर लिया एडजस्ट करके, आपको मैं फिर से बताता हूँ। तो ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, इसे सेलेक्ट करने के बाद मूवी ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, ऑस्किलेट को सेलेक्ट कीजिएगा, देन स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगल को 180 डिग्री कर देना है, 180 पूरा का पूरा रख लीजिएगा, 180 180 डिग्री, तो लेफ्ट राइट यहाँ पे मूव करेगा। फ्रीक्वेंसी पे फ्रीक्वेंसी आपको कम कर देना है, तो यहाँ पे 0.50 के अकॉर्डिंग में रख लीजिएगा इतना, और मैग्नीट्यूड 125 कर दीजिए, मतलब 125 कर दीजिएगा, तो थोड़ा अच्छे से जाएगा। अभी देख लेते कितना जा रहा है, अभी काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा और कम करते हैं, तो 125 ही रख लेते हैं या 150 करके देखते हैं 150 पे कितना है। मैंने 25 रख के एडजस्ट किया था, इतना भी सही लग रहा है, बट थोड़ा सा और कम कर देते हैं, यहाँ पे 125 में रख देता हूँ, ठीक है। अब प्ले करके देखते हैं, परफेक्ट ये हो गया। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना, प्लस का आइकन पे टैप करना है, देन मीडियम जाना है। मीडियम जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो शेप देख सकते हैं इसे सेलेक्ट करना है, मूव करना है इस साइड में, हाफ तक यहाँ पे रख सकते हैं,
देन इसे मूव करके आपको राधा कृष्ण जो इमेज है उसके नीचे कर लीजिएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसे आप जूम करना चाहे तो और थोड़ा बहुत जूम भी कर सकते हैं, तो इस तरह से मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जो जूम करेंगे तो इस साइड में थोड़ा सा खींच लीजिएगा और फिर इसके एक तो डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट वाले को यहाँ से सेलेक्ट करके दूसरी साइड में मूव कर लीजिएगा। एक साइड में नहीं रहेगा, दोनों साइड में रहेगा ये, तो जितना इस साइड में निकाले उतना इस साइड में भी निकाल दीजिएगा इस तरह से, और दोनों को बराबर में रख लीजिएगा एकदम रेड लाइन के साथ में। यहाँ पर रेड लाइन आपको दिख जाता है बराबर है या नहीं पता करने के लिए, तो इतना पे रख लेते हैं। रखने के बाद गाइस इसमें आपको क्या करना है, ये जो रोटेट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, की लगाना है। की लगाने के बाद एक साइड में आपको माइनस में कर देना है और एक साइड में आपको प्लस में कर देना है, तो इसी में प्लस में 1x प्लस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैं लेकर आता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे 1x टू प्लस 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे इतना रहने देते हैं, देन फिर लास्ट में जाएंगे और यहाँ पे की लगाएंगे। की लगाने के बाद इसे हम जीरो कर देंगे, इस तरह से जीरो कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे जो मूव करेगा तो इस तरह से, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसके ड्यूरेशन को हमें लास्ट तक कर देना है, तो लास्ट में जाएंगे ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे लास्ट तक कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे और मूव इट ट्रांसफॉर्म में, सॉरी ये वाले ऑप्शन की मदद से इसे लास्ट तक करते हैं। मूव इट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रोटेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे की लगा लेंगे। की लगाने के बाद इसके लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर भी की लगाएंगे, तो उसमें इस साइड में जा रहा है तो इधर इसमें हम दूसरी साइड में ले चलते हैं। तो इसमें हम कर देते हैं, उधर किए थे प्लस में शायद, तो इधर हम माइनस में कर देते हैं, ठीक है, 180-90 तक यहाँ तक रख ले। अब देखिए सॉरी गाइस, दोनों में एक ही साइड में यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इसमें हम प्लस में कर देते हैं इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए इस साइड में एक ऊपर की तरफ मूव कर रोटेट कर रहा है और एक नीचे की तरफ रोटेट कर रहा है, बस इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, एक ऊपर करेगा एक नीचे रोटेट करेगा। अब आपको फिर से स्टार्टिंग में प्लस का क्लिक करना है, मीडियम जाना है, फिर से ये वाला शेप को एक बार सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से मूव इट ऑप्शन में जाकर इसे थोड़ा छोटा कीजिएगा, ये ऊपर की तरफ इसे रखेंगे और भी थोड़ा छोटा कर लीजिए कुछ इस तरह से, यहाँ पे सेंटर में रख लेते हैं और फिर यहाँ पे प्लस का आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा और एक ये वाला इस टाइप का राधा कृष्ण का इमेज आप कोई भी ले सकते हैं, इसे भी आपको छोटा कर लेना। छोटा करने के बाद ये जो सर्कल हम ऊपर में लगाए हैं इस पे रखिएगा और इसे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पे इसे एकदम से सेंटर में रख लीजिएगा, जो ये सर्कल हम लगाए हैं उस पर एकदम फिट हो जाए। इसके बाद यहाँ से बैक आकर ब्लेंडिंग में जाइएगा और इसे थोड़ा सा शैडो जैसा यहाँ पे कर लीजिएगा, तो 65 मैं रख लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑपेसिटी जो कम है मैंने 65 कर दिया है। देन लास्ट में जाएंगे और ये वाले ऑप्शन टैप करके इसे खींच लेंगे और फिर नीचे वाला जो इसे भी हम लास्ट तक खींच लेंगे और इसमें भी हम मूव इट ऑप्शन में जाकर रोटेट वाले पे क्लिक करके की लगा देंगे और फिर इसके लास्ट में जाकर एक की लगा देंगे, इसे 2-3x तक कर दीजिएगा तो फिर ऊपर जो हम राधा कृष्ण का इमेज लिया इसे थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा जूम कर देंगे ताकि एकदम फिट लगे, कहीं पर कटता हुआ ना दिखे, तो परफेक्ट एकदम सही लगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके स्टार्टिंग में एक की लगाई, प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा और ये जो गमला वाला पीएनजी है इसे सेलेक्ट कीजिए, मूव ट्रांसफॉर्म में जाएगा, जूम आउट कीजिएगा हल्का सा और नीचे की तरफ यहाँ पे अब जहाँ पे भी रखना चाहे रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ। फिर इसका एक तो डुप्लीकेट कर लीजिएगा, डुप्लीकेट वाले को सिलेक्ट कीजिएगा, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर दीजिएगा और फिर इसे मूव करके दूसरी साइड में इस साइड से यहाँ पे एकदम बराबर से रख लीजिएगा जैसे ऊपर में रखे थे उसी तरह से। फिर स्क्रीन पर टाइप कीजिए, प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा, राधा कृष्ण का जो पीएनजी है उसे सिलेक्ट कीजिए, मूव इट ऑप्शन में जाकर इस तरह से छोटा कर लीजिएगा, फिर इसे यहाँ से मूव करके और नीचे यहाँ पर रख लीजिएगा इस तरह से बराबर में, और जो ये दोनों गमला है उसके नीचे इसे कर दीजिए कुछ इस तरह से। थोड़ा छोटा है नहीं दिख रहा है तो इसे हम थोड़ा सा और जूम आउट कर लेंगे ताकि पूरा दिखे, तो इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे भी रखना चाहे वहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे भी रखेंगे तो सही लगेगा या फिर यहाँ पे भी रहेगा तो सही लगेगा। अब जूम भी करना चाहे तो जूम करके रख सकते हैं। देन सबको लास्ट तक लेकर आ जाना, तो ये तीनों को सेलेक्ट करके लास्ट तक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक पार्टिकल आप चाहे तो लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी रख सकते हैं। तो मैं प्लस का क्लिक करके मीडियम जाता हूँ, देन मीडियम जाने के बाद एक पार्टिकल का जरूरत है हमें, तो यहाँ पे मेरे पास पार्टिकल का अलग फाइल ही मैंने बना कर रखा है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और जो पार्टिकल मैं यूज़ करूँगा आपको दे दूँगा, क्योंकि प्रीसेट में मैं ये प्रोवाइड नहीं करूँगा, प्रीसेट में ये सही से काम ही नहीं करेगा तो देने का कोई फ़ायदा नहीं है, और प्रीसेट में अगर मैं इसे लगाकर आपको दे दूँगा तो आप उसे ऐड भी नहीं कर पाओगे अपने लाइट मोशन के अंदर, क्योंकि प्रीमियम वाले ही लाइट मोशन में ऐड कर पाएंगे। तो मैं ये वीडियो हटा दूंगा और आपको वीडियो अलग से मिलेगा, तो इस वीडियो को आप सेलेक्ट करके ऐड कीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा, फिल कंपोजिशन एरिया कीजिएगा, देन कलर एंड फिल में जाइए, सॉरी यहाँ पे ब्लेंडिंग में जाइएगा, लाइट एंड पर क्लिक करके स्क्रीन कर दीजिएगा और इसमें कोई साउंड नहीं लगा है तो आप क्लिक करके देख सकते हैं।
परफेक्ट, हमारा एडिटिंग फिनिश हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, सेव करने के लिए ऊपर एरो पे क्लिक कीजिएगा, देन एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन टैप कर दीजिएगा, ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। इस तरह का और भी एडिटिंग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।